विषय को प्रारंभ करने के पूर्व एक बात मन में आई, वो बता देता हूँ कि 3 दिन जो चर्चा चली तो मैं देख रहा था, तो एक बात ध्यान में आई कि यह जो अपनी कार्य समिति की यानी शीर्षस्थ बैठक है, तो उसमें काम करने की एक शैली है जो पुराने लोग हैं उनके तो ख्याल में है, किंतु कुछ लोग जो नए हैं उनके शायद एकदम ध्यान में नहीं आता कि ऐसी शैली हम लोगों ने क्यों रखी है। कुछ लोगों को तो ये भी लग सकता है कि बीच में वेस्ट ऑफ टाइम क्यों कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो इस शैली का थोड़ा सा मर्म हम समझ लें। ऐसा है कि हम सभी ध्येयवादी हैं, सभी का एक ही लक्ष्य है, हम सभी संगठन और सिद्धांत के प्रति आत्मसमर्पित है, तो भी सब समान होते हुए भी अलग अलग विषयों पर अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग लोगों की अलग अलग राय होती है, ऐसा हम लोग देखते हैं। अलग अलग राय होती है ऐसा हम लोग अनुभव करते हैं, और फिर जब अलग अलग राय होते हैं तो लगता है कि मतभेद निर्माण हुए। मतभेद का आभास निर्माण करने वाले कई परिस्थितियां हैं, उनमें से एक परिस्थिति है हम यह भूल जाते हैं कि ध्येयवाद समान है, लक्ष्य समान है, आत्मसमर्पण समान है, तो भी एक ही परिस्थिति या इश्यू या प्रॉब्लम के बारे में जो प्रतिक्रिया रहेगी, वह प्रतिक्रिया जो स्थानीय परिस्थितियां हैं, स्थानीय जो कार्यकर्ताओं का मानस है, तो इसका परिणाम होकर स्थानीय परिस्थिति के प्रभाव में प्रतिक्रिया निर्माण होती है, और अलग अलग जगह की स्थानीय परिस्थितियां अलग अलग होने के कारण प्रतिक्रियाएं अलग अलग होती है। केवल एक उदाहरण के नाते बताता हूँ, आपके एकदम ध्यान में आ जाए इसलिए। जैसे अखिल भारतीय स्तर पर किसी उद्योग में हड़ताल का नारा देना या नहीं देना, हड़ताल करना या नहीं करना, यह सवाल है। आपको क्या लगता है कि सभी का अभिप्राय समान रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि किसी भी उद्योग में हमारी शक्ति समान नहीं है सब जगह। कुछ जगह हम अच्छे शक्तिमान हैं, कुछ जगह हम कमजोर हैं। तो यदि यह निर्णय होता है कि नहीं हड़ताल पर जाना चाहिए, तो जहां हमारे यूनिट्स कमजोर है वो कहेंगे क्या है, केंद्रीय नेतृत्व को पता ही नहीं है, हमारी पिटाई करवा रहे, यहां तो हम मर जाएंगे। मान लीजिए ऐसा हमने निर्णय लिया कि नहीं कि हड़ताल नहीं करेंगे, जहां हमारी शक्ति है वो लोग कहेंगे अरे यहां अच्छा मौका था, आगे बढ़ सकते थे हम, दूसरों पर मात करके आगे जा सकते थे, कैसा गलत निर्णय केंद्रीय नेतृत्व ने लिया। अब दोनों अपने अपने जगह सही है, दोनों समान सिंसियर हैं, किंतु दोनों को अखिल भारतीय परिस्थिति का सम्यक समग्र दर्शन नहीं है। यदि समग्र सम्यक दर्शन हो गया तो उनको पता चलेगा कि ऐसी स्थिति में सभी के लिए अनुकूल निर्णय हो ही नहीं सकता। जब तक सभी जगह हमारी स्थिति शक्ति समान नहीं है, तब तक सभी के लिए अनुकूल निर्णय हो ही नहीं सकता। कुछ जगह के लिए अनुकूल होगा, कुछ जगह के लिए प्रतिकूल होगा, और जब निर्णय लेना पड़ता है और अखिल भारतीय स्तर पर है तो कुल मिलाकर कुछ जगह हमारी पिटाई भी होगी, कुछ जगह एडवांटेज होगा। तो एडवांटेज ज़्यादा है या डिसएडवांटेज ज़्यादा है, यह देखकर कुल मिलाकर विचार करना पड़ता है। तो केवल अपनी स्थानीय परिस्थिति के कारण एक प्रतिक्रिया तैयार होती है, तो इससे नहीं बनेगा। अखिल भारतीय स्तर पर क्या स्थिति है यह जानने से फिर जो कमजोर यूनिट है वहाँ के भी लोग सिंसियर है, वो समझ सकते हैं कि हमारी पिटाई हो सकती है लेकिन अखिल भारतीय स्तर पर लाभ होगा, वो भी तैयार हो जाते हैं। तो जगह जगह के परिस्थिति का सम्यक ज्ञान रहा तो फिर मतभेद के प्रसंग कम होते हैं। कोई भी जो निर्णय होता है व्यवहार में, सिद्धांत अपरिवर्तनीय है, वहाँ कोई समझौता नहीं,
लेकिन जो व्यावहारिक स्तर के निर्णय होते हैं, ऐसा निर्णय लेना कभी भी संभव नहीं कि जिस निर्णय के कुछ न कुछ डिसएडवांटेज नहीं निकले। इसलिए मैंने शायद परसों भी कोट किया था कि सर्वारंभा ही दोषेण धूमे नाग्निरिवावृता, हम कोई भी कदम उठाए, कोई भी उपक्रम करें, बहुत अच्छा हो, तो भी उसमें कुछ न कुछ दोष, कुछ न कुछ उसके डिसएडवांटेजेस होते हैं। और जब निर्णय लेना पड़ता है तो बिल्कुल फुल प्रूफ, पूर्ण निर्दोष, ऐसा कोई निर्णय हो ही नहीं सकता, इतना ही देखना पड़ता है कि भाई इसके एडवांटेजेस हो गए, डिसएडवांटेजेस हो गए, तो विदर एडवांटेजेस आउट वे द डिसएडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आउट वे द एडवांटेजेस, एडवांटेजेस ज़्यादा है या डिसएडवांटेजेस ज़्यादा है, यह देखकर निर्णय लेना पड़ता है। पूर्ण निर्दोष निर्णय व्यावहारिक स्तर का नहीं हो सकता, सैद्धांतिक स्तर के अपरिवर्तनीय है, किंतु व्यावहारिक स्तर पर जिसके कोई दुष्परिणाम नहीं हो गए ऐसा निर्णय नहीं होता। ज़्यादा दुष्परिणाम हो गए या ज़्यादा अच्छे परिणाम हो गए यह देखकर फिर निर्णय लेना पड़ता है। तो यदि मान लीजिए किसी ने कहा कि नहीं हड़ताल पर जाना चाहिए, इसके क्या दुष्परिणाम है इसको बिल्कुल पता नहीं रहता, ऐसा नहीं, लेकिन वो मन में सोचता है कि भाई दुष्परिणाम कम है, अच्छे परिणाम ज़्यादा है, किंतु अच्छे परिणाम ज़्यादा होने के कारण निर्णय ले रहे, उस समय कोई बोलेगा तो इसके दुष्परिणाम हो गए। अब निर्णय हो गया, निर्णय हो गया तो बाहर ऐसी फैशन हो गई है आजकल कि जैसे इसके दुष्परिणाम दिखने लगते हैं तो कहना मैं तो कहता ही था, मेरी मानता कौन है, ये एक फैशन है। ऐसा नहीं है, हमने ये समझना चाहिए कि सभी पहलुओं का, सभी आयामों का सम्यक समग्र चित्र हमारे सामने पहले आए, फिर हम विचार करें। तो यहाँ जो चर्चा होती है इसमें अलग अलग राय आती है कि नहीं आती है, किसी भी प्रश्न पर एक जगह का आदमी कहेगा नहीं ये करना चाहिए, दूसरे जगह का कहेगा ये नहीं करना चाहिए, इसका कारण दोनों में कोई सैद्धांतिक मतभेद ऐसा नहीं, यहाँ की परिस्थिति वहाँ की परिस्थिति, यहाँ के कार्यकर्ताओं के ग्रुप का मानस वहाँ के कार्यकर्ताओं के ग्रुप का मानस, इसमें अंतर है। और अपनी जो शैली है, इस शैली में क्या होता है कि विचारों का आदान प्रदान होता है, और इसके कारण जगह जगह विभिन्न परिस्थितियों में काम करने वाले हमारे कार्यकर्ता इसी विषय पर क्या क्या सोचते हैं ये सब लोगों को पता चलता है, इसके कारण फिर अपनी राय बनाने में हमें सहायता होती है। और एक बार यदि निर्णय होता है तो फिर दूसरी भी जो बाहर की फैशन है वो हमें छोड़ना चाहिए, सभी दृष्टिकोण आ गए, सभी विचार आ गए, इनमें से कुछ न कुछ एक निर्णय लेना है, निर्णय हो गया। एक बार निर्णय होने के पश्चात बाहर की जो फैशन है वो छोड़ना चाहिए कि वाह मैं तो कह ही रहा था, मेरा कौन मानता है, सब अपने मनमानी चलाते हैं, वो जो हल्की ओछी बातें बोलना बाहर के वायुमंडल में प्रगतिशीलता मानी जाती है वो अपने अंदर नहीं आनी चाहिए। एक बार निर्णय होने के बाद फिर वो सभी का निर्णय, जिन्होंने विभिन्न मत प्रकट किया होगा उनका भी निर्णय। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इतिहास में आता है कि सारी कार्य पद्धति, सिद्धांत का प्रेजेंटेशन, प्रार्थना, प्रतिज्ञा, सारे विचार सिंधी के बैठक में हुए, और इस सिंधी के बैठक में कुछ प्रमुख 25-1 लोग थे। उस बैठक के बारे में हमारे बाजार जिला संघ चालक पूजनीय आपाजी जोशी ने बताया। उस समय परम पूजनीय गुरुजी किसी ऑफिशियल पोजीशन में नहीं थे, लेकिन उस बैठक में थे। तो बोले उनके व्यवहार का हमें आश्चर्य लगता था कि कोई विषय निकला तो वो अपनी राय बहुत आग्रहपूर्वक, आवेशपूर्वक रखते थे, लेकिन एक बार यदि निर्णय हुआ और वो निर्णय उनके मत के प्रतिकूल रहा तो बोले कभी मैंने आवेशपूर्ण यहाँ प्रतिपादन किया था यह मन में न लाते हुए, जो निर्णय होगा वह अपना ही निर्णय है समझकर वो आगे बढ़ते थे, पूर्ण रूपेण निर्णय को अपनाते थे। मैं समझता हूँ कि ये हम लोगों ने भी ध्यान में रखने लायक बात है। वैसे तो इस व्यवहार का अच्छा वर्णन उन लोगों के नेता ने किया है जिस नेता का अनुसरण उनके अनुयायियों ने कभी किया नहीं, वह है डॉक्टर राम मनोहर भैया, जो हम कह रहे हैं ये बहुत अच्छे शब्द में उन्होंने रखा, उनके अनुयायियों ने कभी उसका पालन नहीं किया। वो कहा उन्होंने वाक स्वातंत्र्य कर्म नियंत्रण,
वाक स्वातंत्र्य, हर एक ने अपने अपनी जो बात है वह रखना चाहिए। निर्णय होने के बाद कर्म नियंत्रण, लेकिन एक्शन फिर जैसा निर्णय है वैसे होनी चाहिए। बहुत अच्छा सिद्धांत है, किंतु उनके लोगों ने उसका पालन नहीं किया। तो ये जो प्रोसेस है, सब जगह की, सब लोगों के विचार, सब जगह की परिस्थितियाँ सबके सामने यदि आती हैं, तो केवल अपने ही परिस्थिति के पृष्ठभूमि पर हमारी जो प्रतिक्रिया बनती है उसमें परिवर्तन होता है। इस प्रोसेस को सहायता ऐसी अपनी मोडस ऑपरेंडी शैली इस बैठक की होती है। नए लोगों को इसका पता न होने के कारण इसका मैंने थोड़ा उल्लेख किया। अभी यहाँ विचार होता है, कुछ निर्णय होते हैं, और एक प्रसन्नता की बात मेरे ध्यान में आई कि जो निर्णय हुआ होगा उस पर अमल करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। ऐसा नहीं होता कि यहाँ निर्णय हुआ, डिसिप्लिन के नाते सब उस पर चलेंगे, ऐसा संभव नहीं है। प्रवृत्ति चाहिए। तो जो ही निर्णय होते हैं उनको गंभीरता से लेना और उसको अमल में लाने की कोशिश करना, यह प्रवृत्ति कुछ बढ़ रही है ऐसा मैं देखता हूँ। उदाहरण के लिए ये कहा गया कि भाई हम संघ सृष्टि के अंग हैं, और इस दृष्टि से अपना जो ही कारोबार चलता है, स्थानीय प्रादेशिक अलग अलग स्तर के जो संघ के अधिकारी हैं, प्रचारक हैं, उनको अपने काम के बारे में जानकारी देते रहना। शायद आर्थिक क्षेत्र यह रूखा होने के कारण, रुक्ष होने के कारण उनको इसमें रुचि भी न हो। माने प्राइम मिनिस्टर कौन हो इसमें सबको रुचि हो सकती है, किंतु बोनस का सिद्धांत क्या हो उसमें सबको रुचि होना संभव नहीं। तो उनको रुचि भी न हो तू भी मान न मान मैं तेरा मेहमान, अपनी बात प्रचारक पदाधिकारी हर स्तर के उनको सुनाते ही जाना। माने फिर यदि कोई समस्या उलझन पैदा होती है तो उनको पहले से समस्या उनके समझना कठिन होगा, लेकिन कुछ न कुछ है। भारतीय मजदूर संघ का भी इसमें कुछ न कुछ स्टैंड है, क्या है समझना चाहिए, पहले भी इन्होंने कहा था। पर एकदम वो गलत लोगों के प्रभाव में आकर और कोई ऐसा निर्णय नहीं लेंगे जो हमारे लिए प्रतिकूल रहेगा। इस दृष्टि से समय समय पर उनकी इच्छा हो न हो हम अपनी बात उनके पास पहुँचाए, ऐसा पहले कहा गया, जम्मू के बैठक में कहा गया। दूसरे बैठक में पूछा तो बोले नहीं करेंगे, इसके बाद करेंगे। तो ये अमल में आने में समय लगा, अभी भी हर जगह पूरा अमल में आया ऐसा नहीं, लेकिन जम्मू के बैठक से लेकर अब तक ये प्रक्रिया बढ़ती जा रही है। इसकी गंभीरता लोग समझते जा रहे हैं, प्रयास विशेष प्रयास जगह जगह हो रहा है, कहीं सफल होता है कहीं असफल होता है, लेकिन निर्णय पर अमल करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, यह एक अच्छी बात ध्यान में आती है। वैसे दूसरी बात, जब डीएमएस बढ़ने लगा तो आग्रहपूर्वक बताई गई, अपने यहाँ बाहर से लोग आए, कम्युनिस्ट यूनियन, सोशलिस्ट यूनियन, इंटर, तो बताया गया कि भी बाहर से जो लोग आते हैं वो विषय में यहाँ पूरा नहीं लेना चाहता, तो उनकी मेंबरशिप हम दो फेजेस में विचार करें कि कम्युनिस्ट यूनियन छोड़कर बीएमएस में आया तो वो फिजिकली टेक्निकली कॉन्स्टिट्यूशनली बीएमएस का हो गया, लेकिन मन के दृष्टि से वो अभी बीएमएस का नहीं हुआ, बीएमएस माइंडेड नहीं हुआ, आइडियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल वो बीएमएस का नहीं हुआ, तो वो उसको स्पष्ट बताना चाहिए। और हम लोगों ने बताया भी कि भाई आप दूसरे यूनियन से आए, वहाँ की रीति नीति पद्धति अलग है, यहाँ की रीति नीति पद्धति अलग है, हमारा बीएमएस कल्चर है, आपको वो समझ लेना पड़ेगा। बीएमएस कल्चर में एडजस्ट होने में आपको तकलीफ होगी, वो सारा समझ कर एडजस्ट होने की आप कोशिश कीजिए। तो उसने भी एडजस्ट होने की कोशिश करनी चाहिए, हमने भी उसको संस्कार देने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस तरह से लोगों को धीरे धीरे आत्मसात करना, जो संस्कार ग्रहण करते हैं वो रह जाएंगे, जो संस्कार ग्रहण ही नहीं करते और पुराने बुरे गंदे संस्कार जो छोड़ नहीं सकते वो स्वयं बाहर जाएंगे या उनको निकाला जाएगा, लेकिन ये प्रक्रिया होनी चाहिए ऐसा कहा गया। शुरू में इधर आग्रह नहीं था लोगों का, फिर धीरे धीरे आग्रह बढ़ने लगा, तो अब हर जगह ये प्रोसेस है। कितना परिणाम होता है
ये अलग अलग उसके रिजल्ट आ सकते हैं, लेकिन हर जगह इस दृष्टि से एक कॉन्शियसनेस लोगों में बढ़ रहा है और वो प्रयास जितना हो सकता है लोग करते हैं, ऐसा दिखाई देता है। तीसरी भी एक बात है, आजकल हर एक संस्था में यह भी फैशन हो गई है कि आपस में झगड़े करना, गुटबंदी करना, थोड़े से आपसी झगड़े ये सिद्धांत के कारण हो गए, ज़्यादातर व्यक्तिगत आकांक्षाएं इसी के कारण झगड़े होते हैं। अब सारा ही गांव यदि मलेरिया से पीड़ित है या कॉलरा से पीड़ित है तो मेरा ही मकान बिल्कुल उससे अछूता रहेगा, संभव नहीं। तो ये जो कॉन्टेजियस डिसीजेस है उनके कीटाणु, विषैले कीटाणु अपने यहाँ आते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, हम लोग बंद बक्स में थोड़े रहते हैं। तो ये कहा गया कि इस पर बारीकी से विचार होना चाहिए, और बारीकी से विचार जब आप करेंगे तो आजकल जब मैं अपने लोगों से सुनता हूँ तो ये कहते हैं कि अपने पुराने जो अच्छे ध्येयवादी लोग थे ना, वो तो उनका तो सारा ठीक है, जो बाहर से आए ना तो वो बाहर वाले नए लोग और पुराने लोग, ऐसा ये डिफ्रेंशिएशन ऐसा बता दें। तो बाहर वालों के बारे में तो ठीक है, वो अलग रीति नीति पद्धति उस वायुमंडल में 10 साल रहे, 15 साल रहे, यहाँ आएंगे तो वो सारे विषैले कीटाणु लेकर आएंगे ये, लेकिन इसी आधार पर मतभेद होते हैं ये समझना गलत है। बहुत बार नए आए हुए लोगों में भी दूसरे यूनियन से आने के बावजूद उनका जन्मजात उनकी अच्छाई होने के कारण कही है, लेकिन ऐसे लोग मिलते हैं कि जो अपने संस्कारों में जो लोग हैं वैसे ही वो लोग अन्य यूनियन से आए हुए भी थोड़े मिलते हैं। लेकिन दूसरे भी कि मतभेद केवल नए लोग और पुराने लोग ऐसे नहीं रहते। तो जो अच्छे हैं, ध्येयवादी है, ऐसे भी लोगों में मतभेद हो जाते हैं। अब इधर बारीकी से विचार करना हमारे लोगों ने शुरू नहीं किया अभी तक, ये यहाँ तक विचार है कि बाहर से आने वाले गलत वायुमंडल लेकर आने वाले, फिर हमारे पुराने लोग अच्छे, नए लोग खराब, इनको कैसे दुरुस्त करना है, यही विचार अब तक है। लेकिन पुराने हैं, ध्येयवादी हैं, उनमें भी मतभेद हो जाते हैं, व्यक्तिगत आकांक्षा के कारण नहीं होते। व्यक्तिगत आकांक्षा के कारण नहीं होते तो भी मतभेद हो जाते हैं, फिर एक बार मतभेद हो जाने के बाद व्यक्तिगत राग द्वेष भी निर्माण होते हैं। अब इस सब प्रोसेस के बारे में अभी तक अपने यहाँ बारीकी से विचार नहीं हुआ और उनको फिर समझाने की कोशिश की जाए, ये तो करनी चाहिए, इसमें आपत्ति है। लेकिन मेरा ऐसा मत है कि जहाँ दो धड़े हो गए या दो मत हो गए, वहाँ एकदम एक बैठक में आप दोनों को समझा सकना ये मनोविज्ञान के दृष्टि से भी असंभव है। इसका कारण ऐसा है कि एक एक मनुष्य मानो एक विचार मेरे मन में मैं 2 साल से रखता हूँ, उसके विपरीत विचार दूसरे धड़े का आदमी 2 साल से रखता है। 2 साल से एक ही तरह का विचार मन में रखने के कारण उस विचार के प्रति भी एक ममता, अटैचमेंट, आसक्ति निर्माण होती है। और आप बौद्धिक स्तर पर हम दोनों को समझाएंगे तो हम बौद्धिक स्तर पर समझ गए तो भी उसको ग्रहण करना, हजम करना असंभव हो जाता है। धीरे धीरे आज हमने आपका कहना सुन लिया बौद्धिक स्तर पर कहा ठीक है, लेकिन जो पुराने 2 साल का अटैचमेंट है वो एकदम जा नहीं सकता तो उसको हजम करने में टाइम लगता है। तो ये जो भावना है कि यदि 2 धड़े के लोग हैं उनको इकट्ठा करो, समझाने से लोग समझ जाएंगे, बौद्धिक स्तर पर समझेंगे, मनोविज्ञान से बात मेल नहीं खाती, समझाएंगे, समय लगेगा, उतना समय देना चाहिए। किंतु इससे भी महत्व की बात है, आज के स्थिति के परिप्रेक्ष्य में एक महत्व की बात यह है कि दोनों तरफ ध्येयवादी लोग हैं, समान ध्येयवादी है, समान आत्मसमर्पित है, और इसके कारण जैसे मैंने कठिनाई बताई कि बौद्धिक स्तर से लोग समझते नहीं तो नई बात ग्रहण करने में समय लगता है, इसके कारण वो एकदम समझौता नहीं हो सकता है।
किंतु आज के परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य में मैं दूसरा पहलू रखना चाहता हूँ। आज हम बहुत कठिन परिस्थिति में से जा रहे हैं, बड़ा संघर्ष हमारे सामने है, और किसी भी यूनियन में परस्पर विरोधी मत रखने वाले लेकिन ध्येयवादी ऐसे भी लोग हैं, उनको परिस्थिति कितनी गंभीर है इसमें से जाने के लिए सब लोगों ने एकत्रित आना। जो आपसी मतभेद हो गए वो सारे बाद में एक दूसरे को गाली देने का प्रोग्राम और अलग से करेंगे, लेकिन इस सब परिस्थिति में ये दो चार साल ये परिस्थिति टिकेगी, तीन चार साल टिकेगी, तब तक हम लोगों ने आपसी मतभेदों पर मोरेटोरियम डालना चाहिए। इतनी परिस्थिति गंभीर है ये अभी कार्यकर्ता दोनों तरफ से समझते हैं। मोरेटोरियम का मतलब आप समझ गए कि स्थगित करना। तो ये क्रिटिकल पीरियड जब तक है तब तक हम अपने मतभेद आपसी झगड़े करना ये मोरेटोरियम दिया है, बाद में फिर आपसे जो झगड़े करना है वो करेंगे, क्योंकि परिस्थिति इतनी कठिन है। तो दोनों तरफ झगड़ने वाले भी ध्येयवादी है तो दोनों को समझ सकते हैं। मुश्किल क्या है कि दोनों का हम समझौता करने की तो कोशिश करते हैं कि भाई तुम्हारे यहाँ प्रेसिडेंट कौन रहे, जनरल सेक्रेटरी रहे, इसका तो समझौता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम यह नहीं देखते कि परिस्थिति की तीव्रता कितनी है, कितनी क्रिटिकल सिचुएशन है। ये दोनों को याद है क्या? और मैं आपको बताता हूँ कि दोनों को यदि परिस्थिति कितनी कठिन, तीव्र, क्रिटिकल है यदि दोनों को पता चला, और इस दृष्टि से तुमने आपसी झगड़ों पर, मतभेदों पर मोरेटोरियम डालना चाहिए, ऐसा यदि कहा, ध्येयवादी है वो जरूर अपनी सारी भावनाएं, सारे आवेग, सारे आवेश दबाकर ध्येय की दृष्टि से काम पर दोनों मिलकर जुट जाएंगे, ये निश्चित बात है। ऐसा होता नहीं, हम ऊपर की ट्रीटमेंट करते हैं कि भाई फिर वो तुम्हारे एग्जीक्यूटिव का कंपोजिशन कैसा रहे, एक गुट का दो आदमी लिया जाए, एक गुट के चार आदमी ले जाए, ये जो सारा चलता है, इसके बजाय ये करे, इसमें से रास्ता निकलता है अच्छा है, लेकिन तीव्रता की, क्रिटिकल नेचर ऑफ द सिचुएशन की यदि जानकारी हम दोनों को देते हैं तो मैं अवश्य कहता हूँ कि ध्येयवादी है तो वो अपनी भावनाएँ, आवेग, आवेश ये भूल कर काम में जुट जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। इसका बहुत अच्छा उदाहरण इतिहास में आता है। 1720 में बालाजी विश्वनाथ पेशवा की मृत्यु हुई और बाजीराव को पेशवा बनाया गया। उनकी उम्र 20 साल की थी और जब उनको पेशवा बनाया गया उस समय झगड़े बहुत थे, कुट बहुत थे। अब बाजीराव ने ये आपसी समझौते करना, समझाना वगैरह प्रोग्राम हाथ में ही नहीं लिया, आपस में झगड़ा करने वाले सब सरदारों को समझाना ये प्रोग्राम हाथ में नहीं लिया, उन्होंने दूसरा काम किया, उत्तर के परिस्थिति का निरीक्षण किया और सभी लोगों को बताया कि उत्तर की परिस्थिति क्या है, दिल्ली का जो मुगल सिंहासन है वो कैसे डावाडोल हो रहा है, ये चंबल तक का एरिया ऐसा है कि हम यदि सब मिलकर आक्रमण करते हैं तो चंबल के उस पार तक तो हमारी सेनाएं पहुंच सकती है। तो नारा दिया कि चलो दिल्ली, अब हिंदुपत पातशाही बनने में देर क्या है, और ये इट इज द कॉर्ड ऑफ द हार्ट्स ऑफ द पीपल, क्योंकि ध्येयवादी तो सब थे, आपस में झगड़ा करते थे लेकिन ध्येयवादी थे। ऐसा एक महान इमीडिएट गोल जब सामने रखा गया तो बाकी सारे झगड़े के बारे में लोगों ने सोचा ही नहीं, सीधे चंबल की ओर सारे थे। तो इमीडिएट बड़ा ध्येय यदि हम सामने रखते हैं तो उस ध्येय के कारण ही ध्येयवादी लोगों के जो मतभेद है उस समय समाप्त हो जाते हैं। और हम सीधा कहें कि भी उसके बाद आपने एक दूसरे को गाली देना है, वो गाली गलौज के कार्यक्रम के लिए हम बाद में आपको पूरा अवसर देंगे, स्पेशल उसके लिए पीरियड रखेंगे, लेकिन ये क्रिटिकल पीरियड है, ऐसा क्रिटिकल है यदि हम उनको बताते हैं कि देश की स्वतंत्रता समाप्त हो रही, संप्रभुता समाप्त हो रही, तो इस कॉन्शियसनेस के कारण जैसी एकता आएगी, ये समझौते के कारण कि दो सीटें तुम्हारी रहे और चार सीटें हमारी एग्जीक्यूटिव में रहे, ये कॉम्प्रोमाइजेस थोड़ा काम करती हैं, ज़्यादा काम नहीं कर सकती, पैच वर्क होता है, लेकिन आज की स्थिति में
परिस्थिति की जानकारी, कॉन्शियसनेस, ये भी हमने जागरूक किया। बहुत सारे मतभेद समाप्त हो गए, लोग भूल जाएंगे, ये थोड़ा ध्यान में रखिए। वैसा कीजिए जो चल रहा है, या और अब ज़्यादा गड़बड़ मत कीजिए, अब तो लाउड स्पीकर बहुत गड़बड़ करता है, सबको सुनाई देता है ना, इतना पर्याप्त। फिर परिस्थिति के विषय में सभी को पूरी जानकारी है, यहाँ जो बैठे हैं, ये ठीक है कि आप लोग बाहर जाकर लोगों को समझाएंगे, लेकिन आप कैसे हर एक को परिस्थिति के बारे में पूरी जानकारी। संकट महान है सब जानते हैं, उसका विस्तृत विवरण करने की इस बैठक में आवश्यकता नहीं, आप ही उसका विवरण बाकी लोगों के सामने करते रहते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि ये जो महान आक्रमण हमारी स्वतंत्रता संप्रभुता पर हो रहा विदेशी पूंजी के द्वारा, तो कठिन संघर्ष है, लंबा संघर्ष है, बहुत त्याग करने की आवश्यकता है। तो भी यदि हमने ऐसी इच्छा शक्ति रखी कि जब तक विजय नहीं प्राप्त होती तब तक हम लड़ते ही रहेंगे, विजय प्राप्त करके रहेंगे, तो हम विजय हो सकते हैं। और हमने यदि प्रवृत्ति रखी कि अरे यार इतनी बड़ी शक्तियाँ हमारे खिलाफ खड़े हैं, अब मर गए रे बाप छोड़ो अब क्या हो सकता है, तो हम मर जाएंगे, भगवान कहेगा तथास्तु मर जाओ, ये सब जानते हैं, ये भी जानते हैं। अब ये इच्छा शक्ति प्रखर हो प्रचंड हो ये आवश्यक है। अब हमारे अंदर इच्छा शक्ति है कि नहीं है? अभी इच्छा शक्ति यानी इसके विषय में कुछ गलत फहमी देश के सार्वजनिक जीवन में है, वो क्या है कि कोई इशू खड़ा होता है, फिर उसके बारे में धुआंधार प्रचार होता है, उसके कारण लोग उत्तेजित हो जाते हैं, उत्तेजित होकर फिर रास्ते पर भी लाख दो लाख चार लाख की संख्या में आ जाते हैं। हम कहते हैं कि अब लोगों की इच्छा शक्ति जागृत हुई है, वो नहीं है, यह अस्थाई है, यह जोश है, आवेश है, अस्थाई है, वो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकता। बहुत बार तो जो होता है वह भी ऊपर से दिखने का ही होता है, जैसे बोट क्लब पर हमने देखा कई दलों के कई संस्थाओं के लोग बोट क्लब पर हजारों की संख्या में डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। एक संस्था के नेता ने हमको कहा कि आप जानते नहीं हमारी ताकत बहुत बढ़ गई, उन्होंने कहा क्या, अरे बोले सत्याग्रह कोई मामूली बात है, आज बोट क्लब पर हमारे इतने हजार लोग इकट्ठा हुए थे। मैंने कहा कमाल किया, कि हमने पूछा कि इनमें से कितने लोग ऐसे थे कि जिनको पहले से पता था कि हम जाएंगे नारेबाजी करेंगे भाषण करते करते अरेस्ट हो जाएंगे पुलिस थाने में हमको ले जाएंगे छोड़ देंगे और दोपहर तक भोजन करने के लिए हम घर में आएंगे, या समझकर अपने अपने घर के लोगों को कि दोपहर के भोजन में कौन सी सब्जी होनी चाहिए, ऐसे बताने वाले कितने लोग थे आपको पता है क्या? तो देखने लगे प्रायः वो क्लब में जो हजारों सत्याग्रह करते हैं वो बड़ी इच्छा शक्ति वाले नहीं होते, उनको पता है कि भोजन हमारा घर पर ही होने वाला है, पुलिस थाने से हमको छोड़ने वाले, इसलिए हजारों लोग आते हैं। अब ऐसे लोग भी छोड़ दिए, वास्तव में त्याग करने के लिए तैयार है ऐसे लोगों की भी बात नहीं, तो भी जो क्षणिक जोश है इसको इच्छा शक्ति नहीं कहा जा सकता। इच्छा शक्ति का मतलब है स्थाई, केवल जोश में आए और फिर खत्म हो गया ऐसा नहीं, तो स्थाई इच्छा शक्ति हमारी रहे। हम आप कहेंगे कि हमारे बारे में क्या हमारी स्थाई इच्छा शक्ति रह नहीं सकती, हम ध्येयवादी नहीं है, लेकिन स्थाई इच्छा शक्ति का मजबूत आधार यदि कुछ होगा तो वह है कि हमारी खुद की समझदारी। हम समझ गए सिद्धांत समझ गए आदर्श समझ गए परिस्थिति को भी समझ गए, किंतु स्थायी इच्छा शक्ति का आधार हमारे समझदारी का स्तर है। और समझदारी का स्तर इसका मतलब होता है कि जो विभिन्न आयाम है विभिन्न पहलू है, जितने विभिन्न पहलू जितने विभिन्न आयाम हमारे ध्यान में आते रहेंगे उतना हमारा अंडरस्टैंडिंग बढ़ता रहेगा,
और जितना अंडरस्टैंडिंग का स्तर बढ़ेगा उतनी हमारी इच्छा शक्ति स्थायी होती जाएगी। तो अपने खुद के अंडरस्टैंडिंग का स्तर बढ़ाना ये बहुत आवश्यक है। बहुत बार कार्यकर्ताओं में एक शिथिलता आ जाती है, अंग्रेजी में कहते हैं इनर्शिया, इनर्शिया यानी एक शिथिलता ऐसी आ जाती है कि भाई मैं तो सब समझ रहा हूँ, अपने यूनियन का काम अच्छी तरह से मैं कर रहा हूँ, यूनियन का काम करने के लिए जो क्षमता चाहिए वो मेरे अंदर है, अब मैंने और क्या समझ लेने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं, अपना आत्मविकास हो इसका प्रयास हर एक व्यक्ति ने करना चाहिए, हम लोगों ने भी करना चाहिए। और आज का जो अपना अंडरस्टैंडिंग है उसको बढ़ाने की कोशिश भी हम लोगों ने करनी चाहिए। केवल उदाहरण के नाते मैं बताता हूँ, एक जगह बातचीत चाहिए तो एक अपना कार्यकर्ता बोल रहा था, तो उसने अपने यूनियन के कार्य का भी महत्व है ये बात बताई, स्वदेशी के लिए जन जागरण का महत्व है ये भी बताया। तो उससे आभास ऐसा निर्माण हुआ कि यूनियन का दिन प्रतिदिन का काम और बाहर का स्वदेशी का जागरण, ये दो अलग अलग बातें हैं। दोनों बातें अच्छी हैं इसलिए हमें करना चाहिए, लेकिन इसमें कोई इंटरकनेक्शन है, इंटरलिंकिंग है, ऐसा नहीं है। स्वतंत्र दो अलग अलग अच्छी बातें जो हमने करनी चाहिए। अब हमने यदि सोचा बाहर के यूनियन वाले अभी तक पुराने वायुमंडल में चल रहे हैं, 1947 से 1989 तक जो वायुमंडल था उस वायुमंडल में जो भावनाएं थी, जो विचार थे, जो प्रतिक्रियाएं थी, वो उनकी अभी भी चल रही थी। अंग्रेजी में इसको हैंगओवर बोलते हैं, पुराने हैंगओवर में सारे लोग चल रहे हैं, हम भी ऐसे चल रहे हैं क्या, या वायुमंडल बहुत बदल गया है, एक संक्रमण शुरू हो गया है जिस संक्रमण में पुरानी सब बातें इरेलेवेंट हो रही है और ज़्यादा होती रहेगी, और इसलिए पुरानी प्रतिक्रियाएं, पुरानी भावनाएं, पुराने विचार ये नए जमाने में चलने वाले नहीं। तो नई परिस्थिति क्या है ये समझकर सोचना चाहिए। बाहर के लोग सोचने के लिए तैयार नहीं, हमारे ऊपर देश की जिम्मेवारी, तो ये अभी अपने मन में विचार आता है क्या। और इस दृष्टि से हमने यदि कॉन्सेंट्रेटेड थिंकिंग किया तो आपके ध्यान में आएगा कि नई परिस्थिति में आपका यूनियन का काम और विदेशी और मल्टीनेशनल का सवाल इसमें कुछ संबंध है। भारतीय मजदूर संघ राष्ट्रवादी है, इसकी शक्ति बढ़ेगी तो स्वदेशी की शक्ति बढ़ेगी, तो इसकी शक्ति बढ़ाने वाला हर एक काम, मैं भारतीय मजदूर संघ नाम ले रहा हूँ, सभी के संस्थाओं के बारे में, आरएसएस के बारे में, विद्यार्थी परिषद के बारे में, सभी संस्थाओं के, राष्ट्रवादी संगठन जितने हैं उनकी निजी शक्ति जितनी बढ़ती है संगठनात्मक, उतना ही स्वदेशी की ताकत बढ़ती है। और इस दृष्टि से हर एक संस्था के, और इसलिए भारतीय मजदूर संघ की शक्ति बढ़ाने के लिए जो छोटे से छोटा काम कारण हो सकता है, थोड़ी सी शक्ति बढ़ाने के लिए भी क्यों ना हो, उसके द्वारा यदि भारतीय मजदूर संघ की यूनियन की शक्ति बढ़ती है तो उसके कारण स्वदेशी आंदोलन की शक्ति बढ़ती है, यह विचार हमारे मन में नहीं है। हमारे मन में वो पूरा नहीं है कि भाई किसी को किसी की छटनी हुई है, उसको रिट्रेंच करने की हमने कोशिश की है, वो रिट्रेंच हो गया तो मजदूर के जीवन का लाभ हुआ, यूनियन का नाम रोशन हो गया, भारतीय मजदूर संघ के लिए बड़ा क्रेडिट मिला, यहाँ तक हमारा विचार से नहीं। आज की स्थिति में ये मल्टीनेशनल वाला सवाल पहले नहीं था, आज की स्थिति में जब ये है कि राष्ट्रवादी हर एक संस्था की शक्ति बढ़ाने वाले हर एक काम का परिणाम स्वदेशी पर होता है, तो हमें समझना चाहिए कि एक छटनी हुए मजदूर को यदि हमने काम पर लाए तो केवल उसका लाभ हुआ ऐसा नहीं, केवल उस यूनियन का नाम रोशन हुआ ऐसा नहीं, केवल भारतीय मजदूर संघ का कैटलॉग ऑफ क्रेडिट ये बढ़ गया ऐसा नहीं। तो राष्ट्रभक्त शक्ति, राष्ट्रभक्त संस्था की शक्ति बढ़ने के कारण एक एक आदमी के लिए आपने जो काम किया उसका रीइंस्टेटमेंट हुआ, छट्टे हुए एक वर्कर की रीइंस्टेटमेंट यानी विदेशी आर्थिक साम्राज्य के कफन में ठोकी गई एक कील है, अन्वयार्थ है, विदेशी आर्थिक साम्राज्य के कफन में ठोकी गई एक कील माने एक मजदूर का रीइंस्टेटमेंट है।
ये यदि हम नहीं समझेंगे और दोनों अलग अलग बातें करेंगे कि मजदूर संघ का काम अच्छा है इसलिए कर रहे, स्वदेशी जागरण मंच का काम अच्छा है इसलिए कर रहे, तो इसका मतलब है कि हम भी बाकी यूनियन वालों के समान 49 to 90 जो पीरियड था उसी वायुमंडल में हमारा मन अभी भी चल रहा है। तो नई परिस्थिति में ठीक ढंग से अपनी समझदारी का हम स्तर बढ़ाएं, ये बहुत आवश्यक होता है। अब ये पूरा विचार जब हम करते हैं तो फिर दूसरी एक बात आती है, अपने ही संबंध कट्टर राष्ट्रभक्त ऐसी जो विभिन्न संस्थाएं चल रही, संघ सृष्टि के ऐसे जो विभिन्न संस्थाएं चल रही, तो जैसा आपस में हमारा तालमेल हो वैसे इन संस्थाओं के साथ भी हमारा हर स्तर पर तालमेल हो। और उसके पहले भारतीय मजदूर संघ की शक्ति पूर्ण रूपेण प्रकट हो, इसलिए हर स्तर पर बीएमएस से संबंधित जितनी यूनियनें हैं उन सब यूनियनों के लोग हर स्तर पर अपना तालमेल कायम करें। तो तालुका लेवल तक बीएमएस के यूनियंस के मेंबर, बहुत जगह ऐसा है कि यूनिट नहीं है, अब जो ऑल इंडिया रहता है जैसे रेलवे है, इलेक्ट्रिसिटी है, परिवहन है, हर जगह कमिटियां हो गई, ऐसे नहीं, लेकिन बीएमएस के मेंबर्स रहते हैं। तो तालुका लेवल, जिला लेवल पर विभिन्न यूनियनों में काम करने वाले अपने जो लोग हैं उनकी बार बार बैठकें हो, एक दूसरे से परिचय हो, 15 दिन में नहीं तो महीने में एक बार सब लोग इकट्ठा बैठें, और इस तरह से बार बार इकट्ठा बैठेंगे तो हमारे वीक पॉइंट्स कौन से हैं, स्ट्रांग पॉइंट्स कौन से, इसका पता चलेगा। और एक जगह जो वीक पॉइंट है उस वीक पॉइंट को दूसरे जगह के स्ट्रांग पॉइंट से कवर किया जा सकता है, तो हर जगह पूरी ताकत कंसोलिडेट होगी, पूरी ताकत मोबिलाइज कर सकेंगे। अभी तक ऐसा था कि एक ही स्थान पर विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय मजदूर संघ की यूनियनें भी रहती थी और उसके यूनियन नहीं तो कम से कम मेंबरशिप रहती थी, लेकिन एक दूसरे का परिचय नहीं, एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन नहीं, और इसके कारण उस स्थान की, उस तालुका की, उस जिले की जो पूरी शक्ति है उसका कंसोलिडेशन और मोबिलाइजेशन नहीं होता था। इस तरह से यदि महीने में एक बार सब लोग इकट्ठा बैठते हैं, मुझे एक जगह का स्मरण है कि कम्युनिस्टों की ताकत बहुत, बैंक का मामला है, और 2 महिला सदस्य केवल नए अपने NOBW में आ गए। जैसे NOBW की सदस्य ये महिलाएं हो गई, एकदम उनके ऊपर सोशल बायकॉट डिक्लेयर किया। अब उस यूनिट में 225 ऐसे लोग थे, और सोशल बायकॉट यानी कि इनके टेबल की फाइल को हम हाथ नहीं लगाएंगे, हमारी फाइल इनके टेबल पर नहीं जानी चाहिए, यहाँ तक कि वहाँ जो पानी का मटका था तो इस मटके पर या तो हम पानी पियेंगे या ये महिलाएं पानी पियेंगी, ये महिलाएं पानी पियेंगी तो इस मटके से हम नहीं पानी पियेंगे, हम पानी पियेंगे तो इनको नहीं पानी पीने देंगे, सोशल बायकॉट। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि महिलाएं, वो भी 2 ही, सारा यूनिट इनके खिलाफ, लेकिन वो कट्टर थे, तो वहाँ लोगों को पता चला। तो वहाँ के बीएमएस यूनिट के लगभग 500 लोग, थोड़ा ऑर्गेनाइज करना पड़ा, उन्होंने वो बैंक के ऑफिस के सामने डेमोन्स्ट्रेशन किया। डेमोन्स्ट्रेशन में गाली गलौज भी की, एक पद्धति है, जैसे हम धार्मिक विधि करते हैं तो ये कहना पड़ता है श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम, वैसे ऐसे जब कुछ होते हैं तो गाली गलौज एक कर्मकांड है। और फिर सीधे धमकी दी कि कल से यदि इन महिलाओं को तकलीफ हुई तो तुम्हारे बाकी अहरे गहरे नत्थु खेरे लोगों को नहीं, नाम लेकर के ये तुम्हारे 3 नेता है उनको रास्ते पर हमने भटकने देंगे, पिटाई करेंगे। दूसरे दिन से खत्म हो गया, सोशल बायकॉट विड्रॉ किया। अब वास्तव में पहले भी शक्ति वहाँ थी, किंतु एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन न होने के कारण एक के शक्ति का दूसरे जगह उपयोग ऐसा नहीं होता था। तो हर स्तर पर
यूनियन रहे ना रहे लेकिन अलग अलग उद्योगों के स्कैटर ऐसे भी सदस्य हैं, तो सबने महीने में एक बार इकट्ठा आने का प्रयास किया तो एक कंसोलिडेशन मोबिलाइजेशन शक्ति का होगा, इसके कारण सभी की शक्ति बढ़ेगी। वैसे जो विभिन्न राष्ट्रवादी सहयोगी संस्थाएं हैं उनके साथ बीच में बैठे, स्थानीय परिस्थिति के बारे में कुछ बातचीत हुई, कोई दूसरा कार्यक्रम आइटम इशू में रहा तो कम से कम इकट्ठा चाय पान करते हुए तुम्हारी तबीयत कैसी, हमारी तबीयत कैसी, मौसम कैसा है, इतना भी महीने में एक बार सब लोगों ने एक दूसरे को पूछा। तो कुल मिलाकर राष्ट्रवादी शक्ति हर स्तर पर जितनी है उसका भी कंसोलिडेशन और मोबिलाइजेशन होगा, तो जितने लोग हैं उन लोगों में से अधिक शक्ति का उदय होगा, यह बात हमारे ध्यान में आ सकती है। अब ये तुरंत करने लायक बातें हैं, पहले भी बताई गई है, और जैसे मैंने कहा यह प्रसन्नता की बात है कि पहले लिए हुए निर्णयों पर अमल करने की प्रवृत्ति कम थी, अब ज़्यादा प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। ये दोनों विषय जो है कि हर स्तर पर बीएमएस के शक्ति का कंसोलिडेशन और विभिन्न राष्ट्रवादी संस्थाओं के साथ कोऑर्डिनेशन, दोनों के विषय में हर जगह अधिकाधिक प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। पूरी तरह से काम हुआ ऐसा नहीं लेकिन प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, यह भी एक आनंद का विषय। अब दूसरी बात है कि ये जो लड़ाई है उसके विषय में मैं स्पष्ट रूप से यह कहूँगा कि स्वदेशी जागरण मंच का निर्माण हुआ उस समय हम लोगों की इच्छा शक्ति तो थी किंतु किस तरह से ये सारा चलेगा, दुनिया भर का पैसा उनके पास है, भारत सरकार उनके पक्ष में है, गरीबों को कुचलने का सब लोग प्रयास कर रहे हैं, हम प्रयास करेंगे लड़ेंगे कहाँ तक सफल होगा। किंतु स्वदेशी जागरण मंच के स्थापना के पश्चात अब तक जो घटनाक्रम रहा है वह घटनाक्रम हम लोगों का हौसला बढ़ाने वाला है। पूरा बताने की आवश्यकता नहीं, संक्षेप में बताऊंगा। ये जो विदेशी पूंजी है उनका ऐसा प्लान था, ये मैंने बताया पहले कि विभिन्न देशों की जनता को अंधेरे में रखना, जनता को अंधेरे में रखते हुए और उनके जो राज्य करता है उनको खरीदी करना, और जनता को अंधेरे में रखते हुए जो खरीदे गए राज्य करता है उनके साथ ऊपर ही एग्रीमेंट कर लेना, जिस एग्रीमेंट के कारण गोरे देशों का लाभ होगा खासकर अमेरिका का और बाकी लोगों की पिटाई होगी, लोग मर जाएंगे, ऐसे एग्रीमेंट्स करना, वो पहले पब्लिश नहीं करना, पब्लिश भी करते हैं तो पूरे पब्लिश नहीं करना, केवल मीठा मीठा गप गप ऐसे ही पब्लिश करना, अमल होने लगेगा तो लोग फिर चिल्लाएंगे तो उनको वो यस दे विल बी फंबलिंग, वो ये सोचेगा करना क्या, आकाश से आसमान से कुल्हाड़ी पड़ गई अब क्या करना, तो कन्फ्यूजन में लोग रहेंगे तब तक अपना काम हो जाएगा। तो अचानक सारा काम करना माने जनता को तब पता चले जब आसमान से कुल्हाड़ी पड़ गई, उस समय जनता कुछ नहीं कर सकती, ये उनका प्लान था। भगवान की दया से प्लान सफल नहीं हुआ, मैं डिटेल्स में जाने की आवश्यकता नहीं समझता, कई जगह थोड़ा बोला गया कुछ नहीं बोला गया, लेकिन जगह जगह और अमेरिका के बारे में मैंने बार बार कहा कि जब मैं अमेरिका कहता हूँ तो अमेरिका के करोड़ों लोग मेरे मन में नहीं, अमेरिका के राज्यकर्ता और अमेरिका की पूंजीवादी संस्थाएं वित्तीय संस्थाएं यही हमारे मन के सामने है। तो इनके ये जो इरादे थे वो सफल नहीं हो पाए, हमारे कारण नहीं, भगवान की इच्छा नहीं थी। तो ये जो इन्होंने सोचा कि जब तक लोग सोए हुए हैं गफलत में हैं तभी अपना एकदम हमला करके काम निपटना, शुरू में दक्षिण अमेरिका में वो सफल पूरे हुए, मध्य अमेरिका में सफल हुए, लेकिन बाकी उनका उदाहरण देकर बाकी जगह थोड़ी जागरूकता आने लगी और वो छोड़कर बाकी लगभग कई देशों में इस विषय में जागरूकता आ गई। इसके कारण जब ये आक्रमण करते हैं तो जनता के कुछ न कुछ लोग जागरूक रहते हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, ये प्रक्रिया शुरू हो गई।
इसके कारण पहले जो उन्होंने सोचा था कि विभिन्न देशों की जनता गफलत में रहेगी, सोई हुई रहेगी, हम एकदम आक्रमण करेंगे फिर वो कुछ नहीं कर सकेंगे, ऐसा नहीं हुआ। जगह जगह प्रतिकार की आवाज़ कम से कम जगह जगह शुरू हुई, तृतीय विश्व के देशों में भी शुरू हुई, यूरोप के भी गरीब लोगों ने आवाज़ इसके खिलाफ उठाई। और इतना ही नहीं, तो आज की स्थिति यह है, मैं डिटेल्स में जाने की आवश्यकता नहीं समझता, कि इनका जो इंटरनल सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन अंतर विरोध था वह अधिक स्पष्ट हुआ और ये सबके ध्यान में आया कि ये केवल तृतीय विश्व के देशों को ही खाना चाहते ऐसा नहीं, यूरोप के गरीब लोगों को खाना चाहते ऐसा नहीं, ये मनुष्य नहीं है, इनके मन में अपने देशवासियों के बारे में भी दया करुणा प्रेम कुछ नहीं है, अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए वो अपने ही देशवासियों को खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये समस्या उसके कारण है कि जब ऐसा दिखाई दिया, पहले लो वेजेस और लो प्रोडक्टिविटी साथ साथ जाती थी, माने जहाँ लो वेजेस है वहाँ प्रोडक्टिविटी भी कम रहती थी और सोफिस्टिकेशन नहीं रहता था प्रोडक्शन का। कुछ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में ऐसा दिखाई दिया कि मजदूरों को ठीक ढंग से मोटिवेट किया तो तनख्वाह कम लेते हुए भी वो सोफिस्टिकेशन के साथ प्रोडक्शन उतना ही दे सकते हैं जैसे अमेरिका के मजदूर देते हैं, तो लालच बढ़ गई कि यदि हम मोटिवेट कर सके और कम तनख्वाह लेते हुए भी यदि वो सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्शन उतना ही दे सके जैसे यूरोप अमेरिका के मजदूर देते हैं, तो अमेरिका के सामने जब समस्या आई कि नए उद्योग शुरू करना है तो अमेरिका में क्यों शुरू किए जाए, अमेरिका में शुरू करेंगे तो अमेरिका का मजदूर ज़्यादा पैसा मांगेगा, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का जो मजदूर है गरीब देश का है वो कम पैसे पर काम करेगा, माल वैसे ही रहेगा, सोफिस्टिकेशन तो कम वेजेस रहने के कारण और कच्चा माल भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में है तो वहीं का कच्चा माल वहीं का मजदूर हम अपना कारखाना वहाँ शुरू करें तो मुनाफे की मार्जिन बढ़ जाएगी, इसलिए नए कारखाने अब अमेरिका में खुलना ही नहीं है चर्चा शुरू हुई। और दूसरा कि जैसे अपने यहाँ इंडस्ट्री बीमार हो जाती है वहाँ भी बीमार होती है, तो बीमार इंडस्ट्री के बारे में वहाँ एक कन्वेंशन ये है कि सरकार ने उनको पैसा देना, सब्सिडी जिसको बोलते हैं, और सरकारी पैसे से जो बीमार उद्योग है उसको दुरुस्त करना, ऐसी वहाँ पद्धति है। अभी सब्सिडी बहुत देनी पड़ती है, तो सरकार के मन में विचार है कि बीमार उद्योग को दुरुस्त करने के लिए यहाँ बहुत बड़ी सब्सिडी दी, इसके बजाय ये बीमार इंडस्ट्री यहाँ से उठाकर यदि तृतीय विश्व के देश में ले जाते तो कम पैसे में मजदूर मिलेगा, रॉ मटेरियल वहाँ मिलेगा, बीमार उद्योग अच्छा भी हो जाएगा, मुनाफे के मार्जिन बढ़ेंगे, तो ये उद्योग तृतीय विश्व के देशों में लगाना ये एक विचार शुरू हुआ। ये नहीं सोचा कि अरे बीमार उद्योग अमेरिका से उठाकर यदि हम आप ले जाएंगे तो आपके जो देशवासी है, फ्लेश ऑफ योर फ्लेश एंड ब्लड ऑफ योर ब्लड, आपके खून खानदान के आपके ही मजदूर, उनकी हालत क्या होगी, वो बेकार हो जाएगी। या नए उद्योग आपने उधर ही शुरू किए तो आपकी तो प्रॉफिट की मार्जिन बढ़ेगी, लेकिन गरीब मजदूर जिनको नई एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है, नया जॉब मिल सकता है, वो नए जॉब से वंचित रहेंगे, ये बिल्कुल विचार नहीं। ये उनकी जो राक्षसी प्रवृत्ति है, केवल पैसा मुनाफा, थोड़े लोगों को ज़्यादा और ज़्यादा श्रीमान करते जाना, उसके कारण करोड़ों लोग मर गए तो भी उनको फिक्र नहीं है, हैवानी प्रवृत्ति जो है। और पहले हम सोचते थे कि हैवानी प्रवृत्ति केवल तृतीय विश्व के देश के बारे में, ऐसा नहीं, अब दिखाई दिया कि यूरोप के भी बारे में है, गरीब लोगों के बारे में, और अब जब दिखाई दिया कि प्रत्यक्ष यूनाइटेड स्टेट्स के गरीब लोगों के बारे में भी, इनके खून खानदान के जो गरीब लोग हैं इनके बारे में भी इनके मन में कोई दया करुणा प्रेम नहीं है, तो ये टर्निंग पॉइंट है, ऐसा आप समझ लीजिए कि इनकी जो पुरानी रणनीति है वो अब सफल नहीं हो सकती, प्रयास कर रहे कुछ दिन चलेगा, लेकिन जब ये स्थिति आ गई कि अपने ही देश के गरीब लोगों के प्रति निष्करुण निष्प्रेम यह भावना और वो एक्सपोज होना, लोगों के सामने आना, ये टर्निंग पॉइंट इतने जल्दी आएगा ऐसा नहीं लगता था। तो क्या हुआ है
एकदम गफलत में सोए हुए अवस्था में सबको पकड़ के अपना उद्देश्य पूरा करना, ये अब नहीं हो सकता। दूसरी भी बात है, अपने देश में भी स्वदेशी का जागरण बढ़ रहा है और विभिन्न सेक्शंस में स्वदेशी की भावना है। अभी जो मुरलीधर राव के भाषण में आपने कहा कि इसी का परिणाम है कि मैनिफेस्टो में हर एक पार्टी को स्वदेशी की बात लिखना पड़ता है। अब ये पॉलिटिकल पार्टियां क्या करती हैं नहीं करती कोई बताने की आवश्यकता नहीं। पॉलिटिक्स बहुत ऊंचा गेम है, आप और हम जैसे जो छोटे लोग हैं वो समझ नहीं सकते, लेकिन सभी पार्टियों पर दबाव आ सके इतना प्रभाव स्वदेशी के प्रचार का हुआ है यह बात निश्चित है। तो इस तरह से यहाँ भी प्रभाव बढ़ाइए। आज के जो घोषणा पत्र विभिन्न दलों के वो बता दें। अब ऐसी स्थिति में आज जब हम यहाँ बैठे हैं तो हमारे सामने सवाल आता है कि अपनी रणनीति क्या है, स्ट्रेटेजी टैक्टिक हमारी क्या रहे, यह सवाल आता है। सिद्धांत सबको मालूम है, अपनी कार्यपद्धति स्वदेशी की कार्यपद्धति सबको मालूम है। जन जागरण के दबाव से ही सभी को दुरुस्त किया जा सकता है, यह भी हम समझ गए। उसका प्रत्यंतर भी अभी हमें घोषणा पत्रों से सब पार्टियों के मिला है। तो आने वाले स्थिति में क्या स्ट्रैटेजी रहे, यह सवाल आता है। तो टैक्टिक और स्ट्रैटेजी तय करते समय कुछ लोगों की जो है प्रवृत्ति मन में रहती है वो छोड़ दें कि मुझे क्या लगता है, मेरी क्या राय है, मेरी यानी हर एक व्यक्ति की, तो मुझे क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है, ये अपने जगह विषय है। अपने लाइक्स एंड डिसलाइक्स के आधार पर हम संगठन की नीति रणनीति टैक्टिक तय नहीं कर सकते, कुछ साइंटिफिक आधार पर तय होनी चाहिए। और साइंटिफिक आधार यही है कि आज की परिस्थिति क्या है इसकी ज्यादा से ज्यादा जानकारी हम पहले इकट्ठा करें, समग्र ज्यादा से ज्यादा जानकारी, और वो ज्यादा से ज्यादा जानकारी यहाँ बैठे हुए सब लोगों के पास पहुंचे। और फिर आइए जैसे 3 दिन के बैठे हुए वैसे ही हम 3 दिन 6 दिन 9 दिन जितना ही हो हम बैठे कि भी ये जो सारी जानकारी प्राप्त हुई है उसके प्रकाश में अब अपना ध्येय क्या है यह समझकर कौन सी रणनीति अपनाना ठीक है, इस पर चर्चा हो। तरह तरह के विचार आएंगे, परस्पर विसंगत भी विचार आ सकते हैं, परस्पर विरोधी भी विचार आ सकते हैं, लेकिन आधार होना चाहिए समग्र जानकारी। केवल मैं आवेश में आ गया हूँ मुझे क्या लगता है, ये दृढ़पन वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो समग्र जानकारी प्राप्त करने का प्रयास आने वाले कुछ दिनों में करने की आवश्यकता है। हम जानते हैं कि राजनीतिक परिस्थिति अस्थिर है, हमारे लिए स्वदेशी के नाते हो DMS के नाते हो, जब हमने पहले ही सोचा कि कोई भी पार्टी पावर में रहे हम लोक शक्ति को इतना बढ़ाएंगे कि लोक शक्ति जो कहेगी वही करना किसी भी सरकार के लिए आवश्यक हो जाएगा, बाध्य हो जाएगी सरकार। लोकशक्ति जब जागृत हो जाती है किसी भी पार्टी की सरकार रहे जनता कहेगी वही करना पड़ता है, और वो जन जागरण करने का जब हमने तय किया तो राजनीतिक अस्थिरता के कारण बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। चिंता इस बात की है कि जन जागरण कैसे होगा, कोई भी राजदंड हाथ में लेने वाला होगा उसको दबाने वाला धर्मदंड यानी लोकशक्ति कैसे जागरूक करना, वो काम अपना पहले से चल रहा है। इसलिए आज की जो राजनीतिक अस्थिरता है इसके बारे में नागरिक के नाते हम भले ही सोचें, लेकिन अपने ध्येय की दृष्टि से विचार किया तो लोकशक्ति का जागरण यही हमारा आधार है। किंतु नई परिस्थिति में कौन कहाँ खड़ा है इसकी पूरी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास हम करें, और इसमें कुछ बातें। पहली बात है, हम तो गैर राजनीतिक नॉन पॉलिटिकल हैं, लेकिन बाकी सारी यूनिवर्स तो पॉलिटिकल है। अब यह राजनीतिक अस्थिरता है, DMS के ऊपर उसका कोई गलत अच्छा ऐसा परिणाम होने वाला नहीं, अन्य संस्थाओं पर अवश्य होगा। इसका कारण ऐसा है कि वो कैंप फॉलोअर्स ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स है, कैंप फॉलोअर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज है, और पॉलिटिकल पार्टी का भविष्य भवितव्य जैसे उधर दिल्ली में बनता है या बिगड़ता है
उसका परिणाम पार्टी के लोगों पर होता है, उसका परिणाम इनके नेताओं पर होता है, उसका परिणाम इनके कार्यकर्ताओं पर होता है। अब नई जो परिस्थिति आई इसमें, जो विभिन्न सेंट्रल लेवल ऑर्गेनाइजेशन से या बाकी इंडिपेंडेंट से, तो इस सब परिस्थिति के कारण उनकी मानसिकता में क्या अंतर आया है इसकी जानकारी बारीकी से लेने की आवश्यकता है। इतना ही नहीं कि बंगाल में ऐसी स्थिति तो ऐसा है और महाराष्ट्र में ऐसी स्थिति है तो वो बोलेगा ऐसा नहीं, तो बंगाल में क्या है, महाराष्ट्र में क्या है, उत्तर प्रदेश में क्या है, सब जगह की जानकारी, और वो भी अखबार पढ़कर नहीं, तो विभिन्न संस्थाओं के जो प्रत्यक्ष कार्यकर्ता है उनके संपर्क में आकर उनकी मनस्थिति पहले कैसी थी आज कैसी है इसकी जानकारी प्राप्त करना, और अलग अलग स्थान की जो जानकारी है वहाँ हम पुलिंग टुगेदर सब इकट्ठा की जाएगी, ये प्रोसेस इस समय आवश्यक है। और इस दृष्टि से आने वाले कुछ महीनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम यहाँ बैठे हुए लोगों का ये होना चाहिए कि ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण, केवल निरीक्षण, इंटक के लोग हैं उनके ऊपर क्या हुआ, सीटू के लोग हैं उनके ऊपर क्या हुआ, इंडिपेंडेंट जो थे वो क्या सोच रहे, अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाओं का अनुभव आपको भी होगा, लेकिन वो समग्र उसकी जानकारी इकट्ठा करना, और ऐसी समग्र जानकारी जब इकट्ठा हो जाएगी वो जितनी समग्र होगी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही सही निर्णय हमारा हो सकता है। तो सही निर्णय पर आना है तो पूरी जानकारी चाहिए। तो इस दृष्टि से मानसिकता विभिन्न सेंट्रल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस के कार्यकर्ताओं के सदस्यों के आज मानसिकता क्या है इसकी जानकारी, इसलिए निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन, यह एक बात। दूसरी बात कि वहाँ राजनीतिक परिवर्तन चल रहे हैं, प्रधानमंत्री वैसे भी हमेशा आते जाते रहते हैं लेकिन परमानेंट गवर्नमेंट मंत्री नहीं है, परमानेंट गवर्नमेंट सेक्रेटरी है, ब्यूरोक्रेट्स है, ऑफिसर्स है, तो सरकार में परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि परमानेंट गवर्नमेंट तो जो 47 से चलती आई बनी है और वास्तव में ब्यूरोक्रेट्स ही मिनिस्टर्स को चलाते हैं। ऐसे बहुत थोड़े मिनिस्टर है हर एक पार्टी में जो ब्यूरोक्रेट्स को दबा कर चलाएंगे, हर एक पार्टी में ज़्यादातर मंत्री ऐसे होते हैं कि जो ब्यूरोक्रेट्स के दबाव में आकर, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स को जानकारी पूरी रहती है, जिसको जानकारी नहीं रहती और जानकारी नहीं रही तो आपत्ति नहीं, लेकिन स्टडी करने की प्रवृत्ति नहीं रहती, रात भर जागरण करके फाइल्स पढ़ना है, इतने मेहनत लेने की प्रवृत्ति नहीं रहती, तो सेक्रेटरी के इच्छा पर ही वो काम चला जाए। तो परमानेंट गवर्नमेंट तो वही है। अब ये परमानेंट गवर्नमेंट जो है इसमें मैं सब लोगों को आप लीजिए, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इतना ही नहीं तो विभिन्न कॉरपोरेशंस, तो सब जगह जो ऑफिसर्स क्लास है, ऑफिसर्स क्लास की मानसिकता का भी पूरा अंदाजा हमको इस समय चाहिए। अंदाजा मैंने यहाँ से बैठकर नहीं कि अब ये राजनीतिक घटना हुई तो शायद सेक्रेटरी का मन इस तरह से परिवर्तित हुआ होगा, ऐसा नहीं। आपका सबके साथ संबंध आता है, विभिन्न दफ्तरों के लोगों के साथ संबंध आता है, तो जो माहौल बदलता जा रहा है इसके कारण सेक्रेटरीज, ब्यूरोक्रेट्स, ऑफिसर्स, इनके मन पर क्या असर हो रहा है, क्या कुछ परिवर्तन है या नहीं है, परिवर्तन है तो किस तरह का है, ये जानकारी भी आवश्यक है। और तीसरी जानकारी कि सर्वसाधारण मजदूर अनअटैच्ड है, सारी हमारी सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशंस सबकी मेंबरशिप वगैरह इकट्ठा की तो भी कुल जो मजदूरों की संख्या है उसके बहुत थोड़ा हिस्सा ऑर्गेनाइज लेबर का है, तो संगठित मजदूरों के, असंगठित मजदूरों के क्या प्रतिक्रिया है नए परिस्थिति में, इसकी भी पूरी जानकारी आवश्यक है। वो अपने ढंग से सोचते हैं, ऐसा नहीं है कि हर परिस्थिति में वो केंद्र अपने सेंट्रल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के लीडर के ही इच्छा के अनुसार चलेंगे, ऐसा नहीं, उनका अपना सोचने का ढंग होता है। केवल उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ कि हमारे डांगे जी शिकायत करते थे कि बम्बई के टेक्सटाइल में, वहाँ महार इस नाम की जो कम्युनिटी है उसके बारे में बोलते थे अम्बेडकर जी की, तो ज़्यादातर जॉबर्स इसी कम्युनिटी के रहते थे, तो बोले ट्रेड यूनियन की एक्टिविटी में ये सारी कम्युनिटी मेरे पीछे खड़ी रहती है, मैं जो जो कहूँगा बिल्कुल
ठीक ढंग से डिसिप्लिन के साथ उसका पालन करते हैं। लेकिन बोले चुनाव का जब समय आता है तो मेरे खिलाफ नारे लगाने का काम भी यही लोग करते हैं। मजदूरों की मानसिकता क्या है, संगठित हो असंगठित हो, इसकी पूरी जानकारी अपने अगले बैठक तक, इस बैठक में जो कुछ निर्णय हुए, जो फाइनली निर्णय नहीं हुए वो हो जाएंगे, वो आपके पास पहुंच जाएंगे। कुछ निर्णय हुए हैं उन पर अमल करना, जो निर्णय बाद में आपके पास पहुंच जाएंगे उस पर अमल करना, ये तो काम ही है। हमेशा का जो काम है कि अपने यूनियन का काम ठीक ढंग से करना और एक एक चार शीट का जवाब देना, इसका भी स्वदेशी जागरण का महत्व क्या है। तो विदेशी साम्राज्य के कफर में ठोकी गई ये कील माने आपका चार शीट का एक जवाब है, ये जो अन्वयार्थ है वह ख्याल में रखना। फिर स्वदेशी के बारे में जो कहा गया है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले। इसके साथ साथ अपने अगली बैठक तक कॉन्शियस जानबूझकर समझबूझकर सभी परिस्थितियों का अध्ययन और जानकारी और इसलिए निरीक्षण ऑब्जर्वेशन, ये प्रोग्राम हम अगली बैठक तक करें। माने अगली बैठक में सारी इन्फॉर्मेशन जब पुल टुगेदर हो गए उसके आधार पर और फिर चर्चा करते हुए हम अपनी अलग रणनीति क्या रहे ये तय कर सकें।